देश की युवा पीढ़ी में यह आम धारणा है कि देश स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में काफ़ी मतभेद थे और बिहार स्तर पर बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के बीच काफ़ी मतभेद थे। ऐसे तो मैं मतभेद को जनतंत्र का श्रृंगार मानता हूँ और मतभेद कहाँ नहीं है, मतभेद तो अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी में भी थे, लेकिन मुद्दों पर मतभेद थे। गोधरा कांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी को हटाना चाहते थे और आडवाणी जी हटाने के पक्ष में नहीं थे। जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा आडवाणी जी ने शुरू की तो अटल जी झंडा दिखाने नहीं गए। अटल जी पाकिस्तान से अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए जाने जाते थे। आज भी मोदी जी से राजनाथ सिंह जी गडकरी जी के मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आतंक से कोई बोल नहीं पाता। गडकरी साहब कभी कभी फटफटाते हैं तो उस पर पानी डालकर उसको शांत कर दिया जाता है। तो मतभेद को मैं जनतंत्र का श्रृंगार मानता हूं, लेकिन मनभेद राजनीति में नहीं होना चाहिए। मित्रों, मुद्दों पर कुछ मतभेद पंडित जी और पटेल साहब में थे, लेकिन दोनों में इतने आत्मीय संबंध थे कि जब पंडित जी त्रिमूर्ति भवन में नहीं रहते थे और आज के मौलाना आजाद रोड के में एक तरफ पंडित जी रहते थे, एक तरफ पटेल जी रहते थे, तो अक्सर समय रहने पर अक्सर शाम को पंडित जी पैदल पटेल के यहां जाकर चाय पीते थे और देश के विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे, घंटों बात किया करते थे। यह उन लोगों के आत्मीय संबंधों का द्योतक है। मित्रों, पटेल जी जोधपुर के एक सभा में स्पष्ट कहा था कि हम सबके और देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगैर इस भारत का सही प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और जब अंतिम समय में दिल्ली के ठंडक से परेशान होकर इलाज कराने के लिए आदरणीय पटेल साहब बॉम्बे जाने लगे तो अपने मित्र एनवी गाडगिल को कहा कि मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि लौट कर मैं नहीं आऊं। गाडगिल साहब पंडित जी का साथ कभी मत छोड़िए, जीते जी नहीं हो, इतने आत्मीय संबंध थे पटेल और नेहरू। इसलिए आज तो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं बिहार के श्री बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूति बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी के मतभेदों के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे तो दुखद स्थिति है कि आदरणीय श्री बाबू की जयंती भूमिहार लोग मनाने लगे, अनुग्रह बाबू की जयंती राजपूत लोग मनाते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दोनों महान विभूतियां किसी जाति के नेता नहीं थे, पूरे बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता थे। इसलिए इनको जातियों के ऊपर देखा जाए, जातियों के बंधन में इन्हें बांधने की समझने की नई पीढ़ी भूल न करे। इन लोगों ने मिलकर बिहार को ऐसा बिहार बनाया कि कहा जाता था कि सबसे सुशासित देश में अगर कोई प्रांत है तो बिहार है, और अगर जातीयता रहती तो श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे लेकिन चीफ सेक्रेटरी राजपूत जाति के एलपी सिंह जी थे। आईजी बिहार जिसको आप डीजीपी कहते हैं एमके सिन्हा कायस्थ थे, कहां जातपात की बात थी। और नौजवान पीढ़ियों को मैं बताना चाहता हूं
कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हमेशा चुनाव लड़े, खड़गपुर मुंगेर में है जो राजपूत बहुल है, और वे कभी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, बल्कि उनके बाएं और दाएं हाथ नंदकुमार सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और बनारसी प्रसाद सिंह जो मुंगेर के एमपी हुआ करते थे, वे लोग ही देखते थे और श्री बाबू हमेशा विजयी होते थे। साथियों, अनुग्रह बाबू और श्री बाबू में ऐसे संबंध थे कि जब मोहम्मद यूनुस साहब के जगह नई सरकार बनाने की बात बिहार में आई तो गांधी जी ने कहा, कुछ मुद्दों पर जरूर श्री बाबू अनुग्रह बाबू में विरोध थे, क्योंकि 1922 में जब गया कांग्रेस हुआ उसमें कांग्रेस के अंदर हिंद स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और श्री देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में बना, तो श्री बाबू मोतीलाल नेहरू के कैंप में थे और अनुग्रह बाबू गांधी के कैंप के थे। मतभेद तो पिता पुत्र में था कि मोतीलाल जी नेहरू के पक्ष में नहीं जाकर जवाहरलाल जी गांधी के छत्र छाया में बैठे थे और गांधी के तरफ थे, तो मतभेदों को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और श्री बाबू के संदर्भ में, तो 1937 में जब नए मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस के बाद बनाने की बात आई तो गांधी जी ने राजेंद्र बाबू को कहा कि क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री अनुग्रह बाबू को बना दिया जाए। अनुग्रह बाबू, राजेंद्र बाबू ने अपनी किताब में लिखा है, संभवतः अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अनुग्रह बाबू को गांधी जी का संदेश दिया, लेकिन अनुग्रह बाबू इनकार कर गए और मीटिंग में उन्होंने श्री बाबू के नाम का प्रस्ताव किया। इतने आत्मीय संबंध थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और श्री बाबू। साथियों, 1952 का जब महानिर्वाचन आया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो अनुग्रह बाबू के पुत्र थे श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, उनके दिल में इच्छा आई कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं अपने पिताजी को अपनी इच्छा बताऊंगा तो वे इस प्रस्ताव को निर्ममता पूर्वक ठुकरा देंगे। इसलिए वे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के यहां गए और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि चाचा जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं औरंगाबाद से पार्लियामेंट का। तो श्री बाबू ने कहा कि बाबू साहब से नहीं कहे, जब सत्येंद्र बाबू ने कहा कि बाबू साहब से नहीं कहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे प्रस्ताव को निर्ममता पूर्वक ठुकरा देंगे, इसीलिए आपके पास आया हूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, देखता हूं तुम इत्मीनान से जाओ। और जब चुनाव समिति की बैठक हुई तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि आप सबकी इजाजत हो तो मुझे केवल एक टिकट चाहिए, लेकिन आप लोग अगर सहमति व्यक्त करने का वचन दे तो मैं अपनी बात रखूं। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बताइए अपनी इच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक टिकट चाहिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट के लिए टिकट चाहिए। लोगों ने कहा कि किसके लिए चाहिए, ताकि मेरा कैंडिडेट सत्येंद्र नारायण सिंह है। बाबू साहब हतप्रभ रह गए, उन्होंने कहा कि क्या उससे आपने पूछ लिया है। अनुग्रह बाबू की इस बात को उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पूछ लिया है, वो इनकार दे गए। इतने आत्मीय संबंध थे अनुग्रह बाबू और श्री बाबू। एक घटना की चर्चा कम लोग जानते हैं, इतना एक दूसरे के प्रति आदर था कि एक स्कीम सेंटर का आया कि बिहार में किसी एक ब्लॉक को चुना जाए जिसमें ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, जिस चुनाव क्षेत्र में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो,
तो उस कालखंड में बाबू साहब जिस कंस्टिट्यूएंसी से नबी नगर से जीते थे वो काफी अकाल ग्रस्त और पानी के मामले में अभाव ग्रस्त था। तो मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि बरबीखा को कर देना इस स्कीम में, जो उनका संभवतः गृह क्षेत्र था। एलपी सिंह बड़े धर्म संकट में पड़े, उन्होंने फाइल को बढ़ाया बरबीघा के लिए, लेकिन जब वित्त मंत्री के पास, बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास वह फाइल आता है तो अनुग्रह बाबू ने उसमें लिख दिया कि चूंकि नबी नगर काफी पानी के मामले में अभावग्रस्त है, इसलिए इस योजना की शुरुआत नबी नगर से किया जाए। अब चीफ सेक्रेटरी को काटो तो खून नहीं, एक तरफ अनुग्रह बाबू की बात है, बड़े धर्म संकट में, बहुत दुविधा में, दुविधाग्रस्त थे और बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। वे फाइल लेकर एक दिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री बाबू के पास गए तो उन्हें श्री बाबू प्यार से ललन कहते थे। श्री बाबू ने कहा कि ललन कोई उलझन है क्या? कहा कि हां सर, बड़ा धर्म संकट में हूं, आपने बरबीघा कह दिया, मैंने बरबीघा के लिए फाइल बढ़ाया, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने इसे नबी नगर से शुरू करने के लिए टिप्पणी कर दी है। कहा श्री बाबू ने हंसकर कि लाओ लाओ फाइल लाओ, और उन्होंने साफ लिख दिया कि वित्त मंत्री के प्रस्ताव से मैं सहमत हूं। और हंसते हुए ललन बाबू, इस तरह किसी समस्या का रास्ता निकालना और एक दूसरे के प्रति इस तरह की आदत है, आज के राजनीति में देखने को नहीं मिलता है, और न आज के राजनीति में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की इतनी हिमाकत है कि अपने मुख्यमंत्री के इच्छा के प्रतिकूल इस तरह की टिप्पणी करते। ऐसी गरिमाशाली और गौरवशाली संबंध है अनुग्रह बाबू श्री बाबू के बीच। और सबसे बड़ी बात कि जब डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी का देहांत हो जाता है, उसके पहले मैं एक चर्चा कर देना चाहता हूं कि न चाहते हुए भी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को 1957 में श्री बाबू के खिलाफ लोगों ने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा दिया। बहुत कम मतों से अनुग्रह बाबू का पराजय हुआ, लेकिन अनुग्रह बाबू, श्री बाबू ने कहा कि अगर बाबू साहब कह दें कि कौन चुनाव जीता कौन हार गया काउंटिंग के पहले, बाबू साहब जो कह देंगे मैं मान जाऊंगा, क्योंकि बाबू साहब का कैलकुलेशन बड़ा सटीक होता है। और लोग जात पात की बात करता है, बाबू साहब उतने ही वोट से हारे जितना राजपूत एमएलए श्री बाबू को वोट दे दिए थे, बहुत कम मार्जिन से बाबू साहब हारे। उसके बाद एक घटना होती है, एक बात आती है कि बाबू साहब के शुभचिंतक मित्र और उनके पुत्र श्री सत्येंद्र नारायण सिंह भी नहीं चाहते थे कि बाबू साहब चुनाव हारने के बाद श्री बाबू के मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो मैंने एक बार उनके पुत्र सत्येंद्र बाबू जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं चाहते थे कि श्री बाबू के मंत्रिमंडल में बाबूजी शामिल हो, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त देश को एक अच्छे वित्त मंत्री की जरूरत थी और पंडित जी की नजर बाबू साहब पर हारने के बाद बाबू पंडित जी ने चर्चा की और
श्री लाल बहादुर शास्त्री और एक और व्यक्ति जो नेहरू जी के काफी करीब थे, नेहरू जी के बाएं और दाएं हाथ माने जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री तो अनुग्रह बाबू के इतने प्रिय थे कि उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते थे। इन लोगों ने कहा कि आप मत ज्वाइन कीजिए श्री बाबू को, आप भारत सरकार के वित्त मंत्री बनिएगा। मैं हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अनुग्रह बाबू ने कहा कि हम और श्री बाबू दोनों मिलकर नया बिहार का निर्माण हम लोगों ने किया है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है हम लोग दोनों का सपना था। और इस उम्र में श्री बाबू का साथ छोड़ देना, बिहार का साथ छोड़ देना, बिहार के साथ बड़ा अन्याय होगा, इसलिए मैं अब दिल्ली इस उम्र में नहीं जाऊंगा। हम लोग दोनों भाई जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बिहार को विकास के पराकाष्ठा पर पहुंचाएंगे। और दोनों जब मिले तो दोनों के आंख से अश्रुधारा प्रस्फुटित हुआ और श्री बाबू ने कहा कि बाबू साहब बिहार का मंत्री मंडल बना दीजिए। ऐसा गरिमामय मई संबंध एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास, ऐसा गौरवशाली संबंध और परंपरा देश के इतिहास में कभी जगहों पर मिलता है। 57 के चुनाव के बाद बाबू साहब अपने घर में नया एक कालीन उनके ड्राइंग रूम में आया था और उस कालीन में टेलीफोन का तार छेद करके अंदर अंदर ले जाने के लिए इंजीनियर कह रहे थे। बाबू साहब ने कहा कि इतना नया कालीन, इतना कीमती कालीन है, इसको छेद मत करो, ऊपर ही तार ले जाओ। और भारत के बिहार का वित्त मंत्री एक एक पैसा की कद्र करने में उसी तार में उलझ कर गिर गए और उसके बाद वे फिर उठ नहीं सके। लेकिन साथियों, जब बाबू साहब की मृत्यु हुई तो ऐसा प्रेम का अद्भुत उदाहरण आपको इतिहास में खोजे नहीं मिलेगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लहलहाते दोपहर में बिना किसी को बताए केवल अपने ड्राइवर को लिया और पटना से सीधे अनुग्रह बाबू की जन्मस्थली औरंगाबाद जिले के पोइमा गांव में आए। घर के बरामदे में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के छोटे भाई श्री जुगल बाबू बैठे हुए थे। जब उन्होंने एक बैग बिना इंफॉर्मेशन के मुख्यमंत्री को देखा गाड़ी से उतरते तो हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा कि भाई जी आप बिना बताए आ गए। कहा कि जुगल भाई पानी उन्हें पीजिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जुगल भाई सबसे पहले हमको वहां ले चलिए जिस घर में बाबू साहब का जन्म हुआ है। संयोग देखिए कि उस घर में गोईठा रखा हुआ था, फिर भी डॉक्टर श्री कृष्ण से अपने मित्र की जन्मस्थली पर चौकट पर सीधे सर पटक देते हैं और कहते हैं कि धन्य है यह धरती, धन्य है यह कमरा जिसमें बाबू साहब का जन्म हुआ। साथियों, उस कमरा को मुझे भी देखने का मेरी भी जिज्ञासा थी, मैं भी उस कमरे को एक दिन देखने गया तो वहां के उस गांव के लोगों ने बताया कि इसी कमरे में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ, इसी कमरे में सत्येंद्र बाबू का जन्म हुआ और इसी कमरे में डॉक्टर विजय का जन्म। तो ऐसा अद्भुत प्रेम की एक साथी के जन्म भूमि में आकर चौकट पर माथा पटक कर बच्चों की तरह फफक फफक कर दुनिया के इतिहास में बिरले ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब घटनाओं को समझ कर जानकर हमारे युवा साथियों को, आज के नौजवान साथियों का यह भ्रम दूर हो जाएगा कि बाबू साहब यानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बीच काफी मतभेद थे। कभी कभी किसी मुद्दे पर
मतभेद हो जाया करते होंगे, लेकिन वह तो लोकतंत्र का गहना है, श्रृंगार है। इस बात को हमारे नौजवान पीढ़ियों को समझना चाहिए और सत्य के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए, सत्य का अनुसंधान करना चाहिए और सच्चाई से अवगत होने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।